मास्टरबेटर क्या होता है? जैसे हम फीमेल को बोलते हैं ना, बहुत सारे टॉयज अवेलेबल हैं, वो चाहे तो प्लेजर के लिए कुछ भी कर सकती हैं, मार्केट में बड़ी बड़ी वैरायटी आ गई है, ऐसे मेल्स के लिए भी मास्टरबेटर्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो फ्लोट करता हुआ देखा है जिसके अंदर लोग से पूछ रहे हैं कि आपको पता है ये क्या है, क्या है मेल मास्टरबेटर और ये कैसे हेल्प करता है, क्या इसकी आदत तो नहीं पड़ जाती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, क्या इसकी वजह से आप नॉर्मल सेक्स नहीं कर पाएंगे। चलिए डिटेल में बात करेंगे, और अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, चलिए बात करेंगे। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए हम बात कर रहे थे मेल मास्टरबेटर्स क्या होते हैं। जब यूजली ऐसे पुरुष जिनकी शादी काफ़ी समय तक डिले हो जाती है या जिनके सेक्सुअल प्लेजर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो मेल मास्टरबेटर्स का यूज़ करते हैं। इट्स बेसिकली लाइक अ ग्लास, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ऑल्दो इट्स काफ़ी बिग, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ क्वाइट बिग, और ऐसा एक होलो सा बॉटल या एक प्लास्टिक का सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत ही छोटी होल होता है, जो कि एक फीमेल के वजाइना को रिप्रेजेंट करता है। अंदर स्पेस होता है जिसमें आप अपने लिंग को या पेनिस को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी वाइब्रेटिंग मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी वाइब्रेशंस चलती हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको ऐसे फील कराती हैं जैसे आप हाथ से कर रहे हो या फिर आप फीमेल के अंदर कर रहे हो। इस तरह के मास्टरबेटर्स टॉयज के फॉर्म में आपको मार्केट में बहुत बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो कि 200-300 रुपए से स्टार्ट होके 20,000 तक की रेंज के जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन वो प्लास्टिक से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, या उसके अंदर वाइब्रेटिंग मोड्स कितने हैं, यूएसबी से रिचार्ज होता है या नहीं। तो इस तरह के टॉयज आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ऐसे में आप अपने आपको हाथ से आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टॉय है जो फीमेल के वजाइना जैसा या फीमेल की बॉडी जैसा लुक दे रहा है। ये मास्टरबेटर्स आपको ऑब्वियसली आपके परफॉर्मेंस में या टॉयज के फॉर्म में लड़कों की काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इसे मॉडरेशन में कर रहे हैं, मतलब आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं या फिर आप महीने में 2-3 बार करते हैं, जिससे ऑलरेडी आपको प्लेजर ज़्यादा मिलता है, तो इसका 1% भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे आने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे इरेक्शन की प्रॉब्लम या अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, या फिर जब आप असली में सेक्स करेंगे तो आपका करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको इतनी हाई वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सूट कर गई है, तो अल्टीमेटली इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप ऐसा वाइब्रेटर खरीद रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो ध्यान से सोच समझ के। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसकी आदत तो नहीं पड़ जाती? अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इसका एडिक्शन हो सकता है, बट ऑब्वियसली एक ह्यूमन टच या फीमेल ल्यूब्रिकेशन आपको टॉयज नहीं दे सकते। सिमिलरली जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा टॉयज यूज़ करती हैं, उनको वो जो फील है मेल पेनिस का, वो टॉयज नहीं दे सकता। बट स्टिल अगर आपको उसकी आदत पड़ जाती है या आपको वो अच्छा लगने लगता है, तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया कि मेल के लिए टॉयज अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, मार्केट कम्स अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ऑप्शंस का एक लिस्ट दूं या ऐसा कुछ आपको डेफिनेटली सिखाऊं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि अगली वीडियो हम मेल मास्टरबेटर के चॉइसेस पर डेफिनेटली लाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।